ओके सो आर वी लाइव ना ओके मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि हम लोग लाइव हैं कि नहीं हैं अभी भी मेरे एंड से तो नॉट लाइव दिखा रहा है मैं एक बार रिफ्रेश करके देखती हूँ ओके आई थिंक वी आर लाइव है ना चलो शुरू करते हैं आज का सेशन आज थोड़ा गड़बड़ चल रहा है Uh, बीच में एकदम सारा सिस्टम हैंग हो गया काम करने का बंद कर दिया रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो भी बिल्कुल ऐसे गोल गोल आ रहा है तो रिस्टार्ट ही नहीं हो रहा था खैर अभी शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस को गला ख़राब हो चुका है वापस से मतलब वायरल हो गया इनफैक्ट घर में सभी को हो गया तो मेरे को भी हो गया है लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग में ही दवाई लेने लगी हूँ ताकि इससे पहले बुरा हाल हो जाए तो एक बार क्विकली आपको बता देती हूँ गाइज आई बी का इंटरव्यू बैच टू इसमें ऑनलाइन बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ऑफलाइन बैच के एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं इसके भी मे भी हो सकते हैं कुछ ही दिन में क्लोज हो जाए एंड इसके अलावा आज लास्ट डेट है ऑफ न्यू ईयर डील्स का तो ये जो ऑफ़र है इसका आज लास्ट डेट है तो अगर आपको कोई भी सुपर रिलीड लेना है एस एस सी या बैंकिंग का तो उस पर अभी बैंकिंग वाले पर डबल वैलिडिटी प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ है शीतल कोड यूज़ करने पर इंडिविजुअल बैंकिंग कोर्स लेंगे तो शीतल कोड यूज़ करने पर फिफ्टी फाइव परसेंट का ऑफ है एस एस सी सब्सक्रिप्शन पर आपको फोर्टी फाइव परसेंट का ऑफ मिल जाएगा जैब जाएग के ऐप पर थर्टी फाइव और वैसे इंडिविजुअल कोर्सेज पर फिफ्टी फाइव है ठीक है तो इसको देख लेना तुम लोग प्लस यहाँ पर एफ सी आई का एफ सी आई के मेन्स के लिए अगर आप सिर्फ जी ए और जी एस के कोर्स के लिए ढूँढ रहे हैं तो आज से क्लासेस शुरू हो चुके हैं यानी कि सिक्स फाइव यानी कि आज से मैं आज क्लास ले भी चुकी हूँ डेली क्लास होती है दस बजे तो दस बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं जीएजीएस की क्लास है अभी फिलहाल चल रहा है स्टैटिक के आज मैंने क्लास के अंदर करवाया था नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व ठीक है तो आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं शीतल कोड आपको यूज करना है इसमें आपको स्ट्रेटेगजी के पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स प्लस जर्नल साइंस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस जो है इसका पूरा कवरेज आप लोगों को मिल जाएगा अभी फिलहाल में फिफ्टी ऑफ है तो ये आप सिक्स में इसको अवेल कर सकते हैं ठीक है, है? अब यहां पर अगर आप चाहते हैं कि सारे कोर्सेज आपको सारे

ये यहाँ पर यूनियन लिस्ट में आता है इसका मतलब क्या है जब भी कोई चीज़ यूनियन लिस्ट में होती है उसका मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई भी कानून जो है यानी कि लॉज जो है वो कौन फॉर्म कर सकता है लॉज कैन बी लॉज कैन बी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली हाँ उसको भी पहनाऊंगी मैं कैप कुछ टाइम में लेकिन ठीक है इस टाइप से मैं एक बार आपको थोड़ा सा फटाफट से समरे टाइप दे देती हूँ फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो इंश्योरेंस सेक्टर किस में आता है मैम यूनियन लिस्ट में आता है और इंश्योरेंस सेक्टर हमारा दिया हुआ है मैम सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे बेसिक चीज़ तो यहाँ पर ये को...

दूसरी पार्टी पर और ये दूसरी पार्टी कौन होती है ये जर्नली वो इंश्योरेंस कंपनी वो पार्टी होती है जो रिस्क एक इंडिविजुअल का किसके सर ले लेती है अपने सर ले लेती है अगेंस्ट आ प्रीमियम यानी कि कुछ एक प्रीमियम के अगेंस्ट यानी कि कुछ पेमेंट और चार्ज आपसे लेते हैं जिसको प्रीमियम कहा जाता है मतलब आपसे एक फीस टाइप लेते हैं एक पेमेंट और चार्ज लेते हैं ये कि आपका रिस्क हम अपने ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए आपको हमें एक पेमेंट अ चार्ज देना पड़ेगा या आपको एज अ फीस देना पड़ेगा क्योंकि हम आपका रिस्क अपने ऊपर ले रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है इंश्योरेंस कहा जाता है ठीक है तो ये क्या है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में जहां पर एक पार्टी से उसको दूसरे पार्टी पर शिफ्ट किया जाता है अब पर्पस क्या होता है पर्पस एक इंश्योरेंस का या किसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी या प्लान का ये होता है कि, कि किसी भी एक फ़ाइनेंशियल लॉस का अगर रिस्क है तो उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा क्या ये ये कहता है इंश्योरेंस कि आपको फाइनेंशियल लॉस कवर के देता है मान लीजिए आप आप गए हो अभी आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है आप एल के पास में गए या सपोज आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास में गए और आपने बोला कि मेरी कार को डैमेज हुआ है उसको ठीक करा के दे दो तो वो क्या कराएगा तो फाइनेंशियल लॉस हुआ आपको तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी सफ़र्ड फाइनेंशियल लॉस है जो ऑलरेडी सफ़र्ड फाइनेंशियल लॉस है क्या वो कवर होता है इज कवर्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी यस और नो तो आंसर हो जाएगा मैम नो no. इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी सफर्ड जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो कवर नहीं किया जाता है इनफैक्ट इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है ना कि ऑलरेडी कोई लॉस हुआ है तो उसको कवर करता है तो लॉस सफर क्या एक इंश्योरेंस का पार्ट है नो no. लेकिन रिस्क ऑफ लॉस टू बी अकर इन फ्यूचर क्या ये इंश्योरेंस का पार्ट है येस yes. तो इसका पर्पस ये होता है कि रिस्क को, को ये कवर करता है नेक्स्ट यहां पर है आपका कि इंश्योरर होता कौन है इंश्योरर होता है जो आपको रिस्क के खिलाफ प्रोटेक्शन देने का काम करता है यानी कि जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियाँ आपको इंश्योरेंस कवर देती है या इंश्योरेंस प्लान या पॉलिसी कुछ भी कहिए उसको क्या कहा जाता है जो भी ऐसी कंपनी जो किसी को भी किसी का भी रिस्क कवर करने की बात करती है वो कहलाती है इंश्योरर जबकि जो बंदा या जो इंस्टीट्यूशन या जो संस्थान ये कहता है कि मुझे रिस्क से प्रोटेक्शन चाहिए जिसके लिए वो प्लान ख़रीदता है वो खरीददार क्या कहलाता है इंश्योर कहलाता है यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला तो इंश्योरर है और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाला कौन है वो है मैम इंश्योर्ड you <laughs> फिर बात करते हैं यहाँ पर प्रीमियम की प्रीमियम क्या होता है मैम इंश्योरेंस प्रीमियम एक वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को देना पड़ता है किसको उस इंश्योरेंस कंपनी को जब भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे को ना रिस्क आ, कवर कर दीजिए मेरा मेरे को रिस्क है वो अगला बंदा रिस्क क्यों उठाएगा कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट तो होगा ना उसके बिहाफ़ पर वो कुछ चार्ज करेगा अब मैं तुमको रही हूं तो ये मैं पढ़ा किस ले रही हूं मुफ्त में तो नहीं पढ़ा रही हूं है ना मुझे भी क्या मिल रहा है ऑलिव बोर्ड से सैलरी मिल रही है मैं इसलिए तुमको पढ़ा रही हूँ तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी यही कहती है कि हम आपका रिस्क कवर करेंगे लेकिन जब तक वो रिस्क नहीं आता है आपको फीस देनी पड़ेगी हमको उसको क्या कहा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है मान लीजिए कि आप कार इंश्योरेंस लेते हैं एक साल के लिए तो उस एक साल के अंदर यहाँ पर क्या देना पड़ता है आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को अगर उस साल के अंदर अगर आपकी कार को कोई भी डैमेज होता है फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी आपको यहाँ पर वो डैमेज जो है उसका सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी खुद देगी तो यहाँ पर प्रीमियम वो होता है मैम अमाउंट विच पे यू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड अ प्रीमियम नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ हिस्ट्री की मैंने आपको पिछली क्लास में एनयूटी भी बताया था गाइस एन्यूटी क्या होता है फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग एन जो होता है उसका मतलब क्या होता है क्या, होता है? क्या होगा आंसर ऑप्शंस दो मैं तुमको एन होता है कि मैम जो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पर पे किया जाता है या फिर मैं मैन्यूटी वो होता है ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी को अनटिल डेथ मिलता है यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थ्रू आउट द लाइफ टाइम यहां पर क्या किया जाता है ऐसा कुछ नहीं अमित कैन यू एक्सप्लेन एक्चुअरी ऑल्सो मैंने पिछली बार एक्चुअरी बताया था आई थिंक आप क्लास में नहीं थे दिनेश उस टाइम पर है ना जो भी लोग क्लास में थे उस वक्त वो बताइए जरा एक्चुअरी का मतलब क्या होता है मैंने इंश्योरेंस के अंदर आपको एक्चुअरी बताया था एक ऐसा पर्सन होता है एक्चुअरी कोई एक अमाउंट नहीं होता है बल्कि एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसका काम क्या होता है जिसका काम होता है इंश्योरेंस रिस्क कैलकुलेट करना एक्चुअरी क्या काम करता है इंश्योरेंस के रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उनको कैलकुलेट करता है और फिर बताता है कि किसी भी एक इंश्योरेंस रिस्क के अगेंस्ट उनको कितना प्रीमियम तय करना चाहिए इसलिए हम देखते हैं ना कि जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है उतनी आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को तो ये एक्चुअली वो पर्सन होता है जो कैलकुलेट करता है इंश्योरेंस रिस्क उसका प्रीमियम कितना होगा ये सब एन्यूटी क्या होता है मैम ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होता है जो आपको एट इंटरवेस्ट दिया जाता है अनटिल डेथ यानी कि जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है और वो अगर यहाँ पर ये ऑप्ट करता है कि उसको अनटिल डेथ या फिर लाइफ टाइम क्या मिले कुछ एक फिक्सड अमाउंट ऑफ मनी मिलता रहे चंक्स में तो उसको एन्यूटी कहा जाता है अगर मैं बात करूं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ़ हिस्ट्री ऑफ़ इंश्योरेंस की तो हिस्ट्री ऑफ़ इंश्योरेंस क्या होता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कहा जाता है कि यहाँ पर ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अच्छा एक चीज और मेरे को एनयूटी से अभी याद आई तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लू मुझे ये बताइए कि ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो किसी भी पर्सन को दिया जाता है है ना फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ ये एनुअली दिया जाता है या मंथली देते हैं किस तरीके से दिया जाता है <coughs> हाँ काइंड ऑफ काइंड ऑफ बट आप इसको कह सकते हैं एनयूटी डिपॉजिट कह सकते हैं एक तरीके से ये क्या है एन्यूटी डिपॉजिट टाइप है यानी कि एक आपको डिपोजिट टाइप मिल रहा है इसका कुछ एक अमाउंट जो है आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती रहेगी कैसे फ्यूचर में जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो पे करने का बात करती है ठीक है जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा आप एक लमसम पेमेंट करेंगे या सीरीज़ ऑफ़ पेमेंट करेंगे जिसके बाद में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको हर साल यहाँ पर अमाउंट पे करती रहेगी फिक्स्ड अमाउंट वो डिसाइड कर लेगी कि आपको जब तक आप जी रहे हैं जब तक आप जिंदा हैं हम आपको ये फिक्स्ड अमाउंट देते रहेंगे ठीक है डिपेंड ऑन पॉलिसी बट जर्नली एन्यूटी अगर मैं वर्ड कहूं तो ये जर्नली एन्यूअल होता है तभी तो इसका नाम क्या रखा है एन्यूटी रखा गया है है ना तो जर्नली ये कैसा होता है ये ईयरली होता है ठीक है ओके okay, uh, साक्षी मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस अच्छा मैंने एक बार पहले क्लास के अंदर ये भी कराया हुआ है सो मैं उन बच्चों से पूछना चाहूँगी जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया है कि इंडस्ट्रील इंश्योरेंस और कमर्शियल इंश्योरेंस मैंने आपको दोनों कराए थे इनके बीच का डिफरेंस क्या है वट इज़ कमर्शियल इंश्योरेंस और वट इज़ इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस क्या होता क्या है ये इनके बीच का डिफरेंस क्या है देखो कमर्शियल इंश्योरेंस किसको कहेंगे हम मैम कमर्शियल इंश्योरेंस बिजनेस वो होता है जो जनरली जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनके रिस्क होते हैं हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ एक रिस्क होता है जिस रिस्क को यहाँ पर क्या किया जाता है कंपनसेट करने की बात की जाती है अब मैं अगर कमर्शियल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे कमर्शियल यू you नो know, एम्प्लॉयज से रिलेटेड भी आता है इंप्लॉय से रिलेटेड भी इंश्योरेंस कराते हैं मतलब आप किसी भी चीज़ का कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर है वो किसी भी चीज़ का अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी रिस्क को क्या करा सकता है कवर करा सकता है उसके अंदर आपका एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस भी आ जाता है कई लोग अपने इंप्लॉयज़ जो होते हैं उनका क्या कराते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह भी कराते हैं प्लस कई लोग क्या कराते हैं कि उसके अंदर उनका कोई रॉ मटेरियल वगैरह है, वो यूज होना है उसको भी क्या कराते हैं कवर कराते हैं फिर अगर मैं वही बात करूं इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस की तो मैंने पिछली बार आपको बताया था इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस क्या होता है कब लिया जाता है इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस जो होता है मैम ये दिया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो क्या होते हैं मकैनिकल या किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल कोई प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पर रिस्क करवाना है उसका रिस्क जो है उससे उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस यानी कि रिस्क कवर कराना है तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दी जाती है तो इंश्योरेंस होता है जर्नली कोई एक इंडस्ट्रियल कंपनी यहाँ पर लेती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बड़े लार्ज अमाउंट के लिए ठीक है इंश्योरेंस मान लीजिए कि किसी उनके किसी एम्प्लॉय की आ, किसी बहुत टाइम से वो बीमार चल रहा था या काम करते हुए उसकी कोई इंजरी होगी या डेथ हो गई तो ऐसे में इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस क्या करेगा उसको हेल्प करेगा वो बड़ा अमाउंट देने के लिए अब उसके एम्प्लॉय को उसको वो अमाउंट देना है तो यहाँ पर वो इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस कराता है तो उसके तहत उसको लार्ज क्लेम भी वो क्या कर सकता है यहाँ पर लार्ज क्लेम क्लेम भी कर सकता है जबकि कमर्शियल इंश्योरेंस क्या होता है वो जर्नली आपका कराया जाता है जैसे कि मान लीजिए कि उसके किसी इंप्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया उसने है ना या उसने करा दिया कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा फायर लग जाता है या कोई छोटा मोटा लॉस हो जाता है तो इस टाइप के क्या कहलाते हैं ये कमर्शियल इंश्योरेंस कहलाते हैं आई होप इट इज क्लियर हाँ बिल्कुल कमर्शियल इंश्योरेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी टाइप की वो सर्विसेज वो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है उससे रिलेटेड उस चीज़ से रिलेटेड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस कह सकते हैं हम एज एन इंडस्ट्री कोई बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मान लीजिए उसकी प्लांट एंड मशीनरी है मान लीजिए उसके जो इम्प्लॉयज़ है उनका कोई डेथ हो जाता है कोई बड़ी चीज़ हो जाती है तो लार्जली इसको बिग क्लेम के लिए यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं अगर हिस्ट्री की तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी भारत के अंदर जिसको स्टैब्लिश किसने किया था यूरोपियंस ने कलकत्ता में तो जाहिर सी बात है इंडिया में ये पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी लेकिन इंडियन तो नहीं थी ये क्यों क्योंकि यूरोपियंस इसको लाए थे जबकि यह माना जाता है कि यह कंपनी जो थी ये फेल हो गई थी 1834 में. 1834 में में तो आई कब थी 1818 में आई थी मैम 1818 में यह ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है पहली इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनती है भारत के अंदर जिसको यूरोपियंस ने बनवाया था कलकत्ता के अंदर और एटीन में यह कंपनी जो है वो कलेप्स कर जाती है फिर 1829 में यहाँ पर मद्रास इक्विटेबल जो है वो यहाँ पर एक उभरती हुई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के तौर पर आती है मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि जो उस वक्त पर मद्रास की रियासत थी ना उसके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंस लाती है लेकिन फिर यहाँ पर एक और कंपनी आती है ये बनती है पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसको भारतीय चला रहे थे अठारह में एटीन के अंदर बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी जो है उसकी स्थापना होती है और ये क्या कहलाती है ये कहलाती है आपकी फर्स्ट इंडियन लाइफ

कि ये जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है जो लाइफ इंश्योर करने का काम कर रही है इनको रेगुलेट करना चाहिए इनको रेगुलेशन के अंडर लाना चाहिए कुछ नियम कानून के इनके लिए डाले जाने चाहिए जिसपे ये काम कर सके, तो 1912 में क्या किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट जो है वो पास हो जाता है नाइनटीन में तो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आता है 1912 में वो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या करता है ये कहता है कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं ना उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि एक एक्चुअरी एक्चुअरी कौन होता है अभी बताया था एक वो पर्सन जो यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट करने का काम करता है तो इनको क्या करना पड़ेगा पूरा प्रीमियम रेट टेबल बनानी पड़ेगी और इन कंपनियों का इनको टाइम टू टाइम वैल्यूएशन भी उस पूरे टेबल में बनाना पड़ेगा यानी कि कितने कौन से रिस्क के लिए कितने बड़े रिस्क कवर के लिए कितना प्रीमियम

क्या? इस एक्ट ने यहाँ पर कुछ एक भेदभाव टाइप सिचुएशन की कि ये थोड़ा सा फेवरिज्म करने लगा फॉरेन और इंडियन कंपनीज़ में बहुत टाइप की चीजों में क्योंकि देखो 1912 में क्या था उस वक्त पर ब्रिटिश सरकार थी हमारे इधर तो हम आजाद नहीं। तो नहीं हुए थे तो ये क्या करते थे जो फॉरन कंपनी होती थी उनको प्रायरिटी देते थे और इंडियन कंपनीज को यहाँ पर पीछे रखते थे क्योंकि इनको ये था कि इंडियंस की कंपनियां नहीं आनी चाहिए दबदबा हमारा रहे या किसी फॉरेन की कंपनी का रहे पर इंडियंस को आगे नहीं आने देंगे फिर उसके बाद में क्या हुआ 1938 में एक और एक्ट पास होता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 तब तक कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडियंस की जो फुटफॉल था वो थोड़ा मजबूत होने लगा था और याद रखना नाइनटीन में जो इंश्योरेंस एक्ट आता है ना ये पहला ऐसा एक्ट या लेगुस्लेशन था जो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों के लिए रूल्स लेके आया था यानी कि ये एक ऐसा कानून लाया था जिसमें ना सिर्फ आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बल्कि ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां जो अदर देन लाइफ यानी कि जनरल इंश्योरेंस वगैरह देने का काम करती थी उनको भी इस लेजिस्लेशन के अंदर कानून के अंदर लाया गया अब यहाँ पर इसका एम क्या था इसका एम था इंश्योरेंस बिज़नेस जो है उसके अंदर किस तरीके से ये एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल ला सके और वो भी सरकार उसके ऊपर डायरेक्ट क्या कर सके डायरेक्ट उसके ऊपर वहाँ पर लेगिस्शन या डायरेक्ट कानून ला सके कानून के दायरे में उनको ला सके फिर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का नेशनलाइजेशन कब हुआ कब ये सरकारी बनना शुरू हुई 1947 में क्या हो जाते हैं हम लोग हो जाते हैं आज़ाद लेकिन उसके बाद में भी हमको यहाँ पर कुछ साल और लग जाते हैं और हम कब जा यहां पर टोटल लगभग आपके नौ साल बाद 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को राष्ट्रीयकृत करने की बात चलती है है ना? है ना? ना? हाँ, एक्चुअली जो है वो एल आई सी एक्ट नाइनटीन में इसीलिए डिफाइंड भी है वेरी नाइस नाइनटीन ट्वेंटी एट में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट भी आया था कि जितनी भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी था उनसे रिलेटेड एक्ट भी आया था फिर 1956 में यहां पर क्या आता है ऑफ जनवरी में लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर उसको रैशनलाइज किया जाता है ये कहा जाता है कि भारत के अंदर जो आपका जीवन बीमा है उसको हम राष्ट्रकृत करेंगे यानी कि सरकार जो है वो जीवन बीमा की सेवाएं देगी तो इसके तहत यहां पर 245 ऐसी इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरेंस

फिर जून के बाद में जुलाई अगस्त निकला और जैसे ही सितंबर आया तो पहली ही सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्रिएट कर दी गई एल क्रिएट कर दिया गया इस वक्त पर LIC के हंड्रेड परसेंट ओनरशिप किसका था 100% परसेंट ओनरशिप किसका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेकिन अगर आपसे पूछूं एट प्रेजेंट यानी आज की डेट में 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर टोटल कितना प्रतिशत यहां पर रखती है तो आंसर क्या होगा जैसे एल जैसे आपका वो एल एक्ट आया था एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ एक्ट आया था है ना एल एक्ट भी नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 में आया लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्ट आया 1956 में तो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ठीक है ऐसे ही आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट आया था 1912 में अभी फिलहाल में कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 96.5 परसेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में बाकी पब्लिक कितना ओन करती है बाकी पब्लिक के पास में है 3.5 परसेंट क्योंकि सबसे पहली बार पब्लिक को ऑफर किया गया अकॉर्डिंग टू आईपीओ ये बताइए एल का आई कौन से ईयर में हुआ कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है एल का जो आईपीए हुआ वो कौन से ईयर में हुआ मैं मई दो को कब हुआ मई 2022 को और इसके अगेंस्ट सरकार को कितना पैसा मिला इक्कीस हजार करोड़ रुपए सरकार को मिला ठीक है हाँ बिल्कुल सही है नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ जर्नल इंश्योरेंस कंपनी अब लाइफ इंश्योरेंस की बात हो गई अब जर्नल इंश्योरेंस कंपनियों का देख लेते हैं एटीन के अंदर जर्नल इंश्योरेंस कंपनी भारत में आती है किसके साथ में ट्रिटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन द ईयर एटीन फिफ्टी में एक ट्रिटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आती है भारत के अंदर ये क्या बनती है ये बनती है फर्स्ट जर्नल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ये इंडियन कंपनी थी या फिर यू नो फॉरेन कंपनी थी तो ये कैसी कंपनी थी ये थी ब्रिटिश कंपनी और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है सिटी ग्रुप और इसको किसने किया था ब्रिटिशर्स ने इसको किया था इनफैक्ट सिटी ग्रुप के अलावा और बहुत सारी हैं जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिटोन इंश्योरेंस की ठीक है कलकत्ता के अंदर इसको लाया गया 1907 में 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड का सेटअप हुआ यानी कि ये यहां पर स्थापित होती है ये बनती है पहली कंपनी जो हर तरीके का जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस भारत के अंदर लेके आई व्हाट डज दैट मीन ऑल क्लासेस ऑफ जर्नल इंश्योरेंस अब मुझे ये बताइए जर्नल इंश्योरेंस के अंदर आपके किस किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं क्या हेल्थ इंश्योरेंस जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट है येस और नो तुम बस येस और नो लिख दें हेल्थ इंश्योरेंस जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट है कि नहीं येस और नो मैम एल आईसी नेशनलाइज अंडर एल आई सी एक्ट नाइनटीन ट्वेल्व नहीं 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 एल आई सी एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के तहत ठीक है ओके यस अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कार इंश्योरेंस इसका पार्ट है कि नहीं यस और नो होम इंश्योरेंस इसका पार्ट है कि नहीं यस और नो यस यस एवरीथिंग इज यस कार इंश्योरेंस की जगह मोटर इंश्योरेंस कर सकती हूं कार बाइक सबका इंश्योरेंस बात सही है यहां पर हाउस इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस यहां पर इंक्लूडेड है येस मैम हाउस इंश्योरेंस इसके अंदर इंक्लूडेड है ठीक है फिर अगर मैं आपसे पूछू फायर इंश्योरेंस इसका पार्ट है कि नहीं है थेफ्ट इंश्योरेंस इसका पार्ट है कि नहीं है येस और नो येस मैम ये सारे मतलब लाइफ के अलावा बाकी जितने भी जिंदगी के अलावा बाकी जितनी भी चीजों का किसी भी ऑब्जेक्ट का तुम इंश्योरेंस कराते हो वो किसका पार्ट है जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट है और इस टाइप के मल्टीपल हर तरीके का जर्नल इंश्योरेंस यहां पर प्रोडक्ट कौन सी पहली कंपनी लेके लेके आती है इंडियन मार्केटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लेके आती है नाइनटीन के अंदर लेकिन एटीन के अंदर ट्रिटोन इंश्योरेंस कंपनी क्या थी पहली जर्नल इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया के अंदर अब नाइनटीन में क्या होता है जी का फॉर्मेशन होता है अब मैंने आपको बताया था GIC जो है, इसका डोमिनेंस कौन से टाइप के इंश्योरेंस मार्केट के अंदर है कौन सी टाइप के मार्केट के अंदर इसका डोमिनेंस है या मैं कह सकती हूं मोनोपली है मैंने पिछले क्लास में बताया था कौन सी मोनोपली है क्रॉप इंश्योरेंस का मोनोपोली है यानी कि सबसे ज्यादा क्रॉप इंश्योरेंस कौन सी कंपनी कराती है जिसके पास में मेजोरिटी और कह लीजिए कि एक इकलौता ऐसा सेलर है जो मेजोरिटी यहां पर क्या कराता है ये क्रॉप इंश्योरेंस कराता है दैट इज जीआईसी, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लेकिन 1957 के अंदर जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नहीं जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल के नाम से यहाँ पर जीआईसी आता है ये क्या था ये इंश्योरेंस एसोसिएशन जो था भारत के अंदर उसी का क्या था एक डिवीजन था एक उसी का एक ऑर्गन था जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल को यहाँ पर किस लिए लाया गया ताकि यहाँ पर जितनी भी बिजनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको यहाँ पर अच्छे से ये फेयर मीन से कंडक्ट करवा सके यानी कि

जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस भारत के अंदर नेशनलाइज कौन से एक्ट के थ्रू हुआ मैम नेशनलाइजेशन एक्ट आता है 1972 तो यहाँ पर 1971 में 1971 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी मैम जर्नल इंश्योरेंस कंपनी या कॉरपोरेशन में कह सकती हूँ जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना होती है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द एक्ट ऑफ जर्नल इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट गिबना अब यहां पर बात आती है कि उस वक्त पर कितनी कंपनीज जो थी उनको क्या किया गया मर्ज कर दिया गया तो 107 ऐसी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी थी जैसे एल के, के केस में 245 थी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में कितनी थी 107 इंश्योरेंस कंपनियां थी जिनको मर्ज कर दिया गया और चार कंपनियों के अंदर उनको तब्दील कर दिया गया मतलब 107 कंपनियों से अब चार कंपनियां रह गई और चारों की चारों कैसी हो गई चारों की चारों होगी मैम नेशनलाइज एक कौन सी यहां पर निकल के आई एक आई इधर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मैं इसको एन कह सकती हूँ दूसरी इधर आती है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एन आई ए सी एल तीसरी इधर निकल के आती है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि और चौथी कौन सी रही पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि यू आई आई सी एल ये बात सच है लेकिन अगर मैंने आपको कितनी बार बताया है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जिन्हें कहा जाता है तो कौन है डी एस आई आईज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस आंसर क्या होगा एक तो यार ये तबीयत या खराब हो जाती है ना बड़ा सर में दर्द कर देती है <coughs> स्पेशली गला गला तो बड़ा ही बेकार हालत कर देता है मतलब ना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं क्या होगा आंसर इधर बहुत अच्छे एल आई सी जी आई सी री एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड ठीक है एक तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड वाली है ना एक कौन सी है एक है मैम यहाँ पर एल आई सी अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ ये एल आई सी जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है मैंने आपको बता रखा है इसके रिलेटेड है ना बता रखा है ना मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत अच्छे एल आई सी जी आई सी डी और न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि एन आई ए सी एल कह सकती हूं मैं इसको अब ये जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये शुरू कब हुई जी आई सी ये जी आई सी एज अ कंपनी आई थी एज अ कंपनी कौन से ईयर में आई थी 1971 में इसको इसने अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करा लिया लेकिन इसने अपना काम कब शुरू किया ये ऑपरेशनलाइज कब से हुई यानी कि काम कब से करने लगी तो जैसे ही क्या होता है नाइनटीन का जो एक्ट आता है गिबना एक्ट यानी कि जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972 उसके बाद में ये क्या हो जाती है ये जर्नल इंश्योरेंस कंपनियां क्या हो जाती हैं नेशनलाइज हो जाती हैं और चार में बढ़ जाती हैं ये चारों हमने बात की लेकिन इसमें जी कहीं भी नहीं थी है ना जी आई इसके अंदर कहीं भी नहीं थी क्यों क्योंकि जी ने अपना काम कब से शुरू किया एक जनवरी नाइनटीन में इसने अपना काम जो है वो नाइनटीन से शुरू किया अब फिर बात आती है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कही जाती है वो कहलाती है मल्होत्रा कमेटी कमेटी जो थी ये आर एन मल्होत्रा उस वक्त पे क्या थे ये फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के तो इनकी अगुवाई में इनके नेतृत्व में यहाँ पर गवर्नमेंट एक कमेटी का गठन करती है अब वो गठन कब करती है यहाँ पर 1993 में यहाँ पर ये कंपनी जो होती है ये कमेटी जो होती है क्या करती है रिकमेंडेशन देती है तो यहाँ पर मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है जो कहती है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर इर्डा इस्टेब्लिश होना चाहिए और नाइनटीन में ये रिपोर्ट यहाँ पर लाती है इर्डा से रिलेटेड और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कब कर, कर देती है इन्होंने कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात की जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म था कि क्यों ना इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर एक प्रॉपर बॉडी बना दी जाए जैसे आरबीआई आपका एक प्रॉपर बॉडी है जो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को देखता है

स्टैचुटरी बॉडी के रूप में कब आई थी अप्रैल 2000 के अंदर क्यों क्योंकि 1999 का एक्ट जब पास हुआ उसके बाद में अप्रैल 2000 में इसको अपना वैधानिक रूप इधर मिला फिर कहते हैं कि जो है इसके पास में कुछ शक्तियां दी गई ये शक्तियां क्या थी कि ये यहाँ पर रेगुलेशन संभाल सकती है फ्रेम कर सकती सकती है 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 यानी कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन ये कौन बना इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार दिया गया को वो भी इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन के अंदर सेक्शन हंड्रेड ए के अंदर इसको क्या किया गया इसको एड कर दिया गया यानी कि जैसे ही आपका इडाई एक्ट आता है नाइनटीन नाइन का तो ये अथॉरिटी यहां पर रेगुलेशन बनाने

उस फॉरेन कंपनी का हो सकता है जिसको यहाँ पर फोर्टी नाइन परसेंट दो हजार चार में करके बोल दिया गया था ठीक है लेकिन अल्टीमेटली 2004 नहीं होगा ये 2014 होगा तो 2014 में इसका प्रपोजल रखा गया कि फोर्टी परसेंट होगी और 2015 से ये 49 परसेंट लागू कर दिया गया और उसके बाद में इसके बाद में यहाँ पर 74 परसेंट इसको कौन से ईयर में किया गया 2021 में इसको बढ़ाकर 74 परसेंट कर दिया कि मैक्सिमम कोई फॉरन कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी भारत के अंदर किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने परसेंट शेयर्स रख सकती है सेवेंटी 2002 का जो पार्लियामेंट आए, in 2002 आए इन 2002 थाउजेंड टू पार्लियामेंट पासड अ बिल डी लिंकिंग फॉर दीज सबसिडरीज फ्रॉम जी इन जुलाई 2002 क्या होता है यहां पर यहां पर 2002 में पार्लियामेंट एक बिल पास कर देती है कन्वर्ट कर दिया गया इंडिपेंडेंट में जबकि जी जो था ये क्या बन गया उस वक्त पर जी बन गया एक नेशनल इंश्योरर री इंश्योर कंपनी यानी कि री इंश्योर क्या होता है जो एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस कराता है है ना थैंक यू प्रकाश सरवी थैंक यू सो मच 2015, अमित 2015 प्रपोजल प्रोपोजल रखा गया था 2015 में पूरी तरीके से लागू हो गया था ठीक है 2015 याद रखना अब यहां पर क्या होता है कि आपका 2002 में 2002 में जो चार सब्सिडरीज हुआ करती थी जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज की चार सब्सिडरीज की बात की थी जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी थी इनको इंडिपेंडेंट कंपनियां बना दिया था जीआईसी की चार सब्सिडरी थी कि जर्नल इंश्योरेंस कंपनियां भारत के अंदर जो हैं वो चार थी एक आपकी न्यू इंडिया थी एक आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी थी एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी थी एक आपकी ओरिएटल थी एक आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी तो दो दो में ये चार अलग क्या बन जाती हैं इससे अलग होकर चार यहाँ पर अलग अलग कंपनी बन जाती हैं जबकि यहाँ पर जी जो है वो क्या बन जाता है ये इंश्योरेंस कंपनी से नेशनल इंश्योरर बन जाता है यानी कि सरकारी कंपनी जो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियों को भी रिस्क यहाँ पर प्रोवाइड करेगा डिफरेंट चीज़ों में तो 2006 में जो एक्चुअरीज एक्ट आया एक्चुअरीज एक्ट किससे रिलेटेड मैम ये वो बंदा है एक्चुअली वो बंदे होते हैं जो प्रीमियम वगैरह रिस्क वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो इनके रिगार्डिंग एक एक्ट आता है टू में जो पार्लियामेंट पास करती है जहाँ पर इनको क्या दिया जाता है एक प्रोफेशनल स्टैचूटरी स्टेटस दिया जाता है जो किसके बराबर बताया जाता है जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बैंक वगैरह होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसमें चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं ना सीए वगैरह सीए होते हैं नोटरीज होते हैं कंपनी एडवोकेट्स कंपनी सेक्रेटरीज़ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स जो होते हैं बिल्कुल उसी टाइप का दर्जा दिया जाता है इनको इंश्योरेंस सेक्टर में यानी कि जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में सी ए सी एस काम करते हैं ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर्स में ये जो अहदा है एक्चुअरीज़ का उसी हिसाब से होता है यानी कि ये भी काफ़ी जानी मानी पोस्ट होती है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक्चुअरीज़ की ये दो हज़ार छः में इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट में जो वो था पास किया गया फिर सोलह सितम्बर दो हज़ार तेरह में एड जो है उसने लॉन्च किया

क्यों है ये और ये रिपो रिपोजिटरी जो है ये किस टाइप की सर्विसेज होती हैं अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि यहाँ पर ये जो रिपोजिटरी सर्विसेज़ हैं भारत के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड ये हैं क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है पहली बार फर्स्ट टू बी इंट्रोड्यूज इन इंडिया पहला ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया तो ये इसका मतलब क्या है देखो याद रखना ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का एक डेटा बेस होता है यानी कि यहाँ पर पॉलिसी होल्डर जो हैं वो अपनी पॉलिसी के अंदर क्या कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिविजन्स ला सकते हैं तो इसको सबसे पहले कब लाया गया सोलह सितंबर दो में लाया गया था वर्ल्ड में पहली बार इस टाइप की कोई सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में शुरू की गई थी एडाई जो है उसने यहाँ पर इनिशियली लाइसेंस यहाँ पर इशू किए थे पांच कंपनीज़ को टू एक्ट एज अ इंश्योरेंस रिपोजिटरीज यानी कि इंश्योरेंस रिपोजिटरीज़ बनाने के लिए पांच कंपनियों को लाइसेंस दिए थे ठीक है जबकि यहाँ पर एक कंपनी थी जिसका 2015 के अंदर लाइसेंस उसने अपना लाइसेंस वहाँ पर सरेंडर भी कर दिया था यानी कि टर्मिनेट कर दिया था उसने अपना लाइसेंस वो थी एच एस सी आई एल वो चार कंपनियां मैं आपको बता देती हूं ये पांच कंपनियां कौन कौन सी थी इनिशियली पांच को ऐसा लाइसेंस मिला था मैं पांच लिख देती हूं एक है सी डी एस एल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड एक थी आपकी कार इंश्योरेंस देखो अब मैं जहां पर भी आई आर लिखती रहूं तो समझते रहना ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी है एक कार भी थी एक थी सी डी एस एल एक थी सी एम एस और एक थी नेशनल इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी रिपोजिटरी ये एनएसडीएल है ना जो हमारा जो आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपोज़िटरी लिमिटेड जो है जो आधार कार्ड वगैरह यू नो लॉन्च करता है ये उसी उसी की कंप मतलब उसी की सब्सिडरी टाइप है तो इसको यहाँ पर मिला था जबकि सी एच एस आई सी सी एस एच सी आई एल जो है इसको 2015 में क्या मिला था इसको 2015 में इसने टर्मिनेट करवा दिया था यानी कि सरेंडर कर दिया था कि अब ये नो लॉन्गर विल बी इंश्योरेंस रिपोजिट्री रिपोजिट्री कौन से होते हैं जो डेटा रखते हैं किसका डेटाबेस ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी का इनका काम होता है जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उनका अपने पास में डेटाबेस बनाकर रखना ठीक है तो ये सिस्टम यहां पर पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसीज़ खरीद भी सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ डी मेटेरियलाइज्ड यानी कि डी मैट अकाउंट में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं तो डी मैट टाइप की अगर आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रखनी है तो आप किसके पास जाएंगे इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विस फर्म्स के पास में जाएंगे चलो अब कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ओके ओके विग्नेश आईल ट्राई टू डू दैट सेशन में मज़ा आ रहा है पसंद आ रहा है आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा जीरो वन वेयर यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास इस क्लास का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव के सब्सक्राइबर्स हैं गाइज इधर ठीक है तो इधर ही ज्वाइन करना और कहीं दूसरे फेक चैनल्स हैं उन पर मत करना ठीक है अब आता है 2000, GIC, इन विच ईयर द फोर सब्सिडरीज ऑफ जी आई सी वॉज कन्वर्टेड इन टू एन इंडिपेंडेंट कंपनीज आपको बताया था आंसर क्या होगा यहाँ पर मैम इन द ईयर टू थाउजेंड जी आई सी इनमें से कितनी कंपनी बन गई थी जी आई सी को कन्वर्ट करके इंडिपेंडेंट कंपनीज बना गया बना दिया गया था इन द ईयर टू थाउजेंड फटाफट से उन चारों सब्सिडरीज के नाम बताइए नेक्स्ट है आपका विच इज दोल री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इकलौती ती री इंश्योर कंपनी भारत के अंदर कौन सी है एल आई सी जी आई सी री आईसीआईसीआई लॉम्बार बहुत अच्छे आंसर क्या हो जाएगा मैम जी आई सी री तभी तो इसके नाम के आगे री लगा हुआ है री का मतलब क्या है ये री इंश्योर है कैसी है ये गवर्नमेंट नेशनल री इंश्योर कंपनी है जो यहाँ पर री इंश्योरेंस देती है नेक्स्ट इज ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टूक प्लेस इन विच ईयर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का जो नेशनलाइजेशन है ये कौन से ईयर में हुआ एवरी बहुत अच्छे 1956 में हुआ कितनी कंपनीज को मर्ज किया गया फॉरेन एंड इंडियन कितनी कंपनीज और प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज को मर्ज किया गया 245 फोर्टी को मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए इनिशियल कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पांच करोड़ रुपए कितना पाँच करोड़ रुपए नेक्स्ट इज इर हाउ मेनी इंश्योरेंस फॉर्म वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन लाइफ इंश्योरेंस वाज नेशनलाइज आंसर क्या होगा इधर आंसर हो जाएगा मैम टू फोर्टी फाइव अब कंफ्यूज नहीं हो ना टू फिफ्टी सिक्स में या टू सिक्सटी फाइव में कितना होगा टू फोर्टी फाइव और वहीं अगर आपसे पूछूँ कि जर्नल इंश्योरेंस के अंदर कितनी कंपनीज को मर्ज किया गया और चार कंपनियां बनाई गई अंडर द जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आंसर क्या हो जाएगा मैम टोटल एक को कितनी हंड्रेड एंड सेवन तो ये याद रखना है आपको ठीक है यहाँ पर याद रखना एल आई सी जो है इसमें वन फिफ्टी फोर ये टू फोर्टी फाइव जो है ना इसमें वन फिफ्टी फोर इंडियन कंपनी थी सोलह नॉन इंडियन इंश्योरर्स थे जिसमें सेवेंटी फाइव प्रोविडेंट सोसाइटीज थी इनको मिला के क्या बनता है टू फोर्टी फाइव कंपनीज बनी ठीक है एल आई सी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुंबई में है टैग लाइन क्या है योगेश कम योगा योगाक्षेशम वह म ठीक है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब है बट देख लेना नेक्स्ट यहाँ पर है लेगिसलेशन टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस स्कीम इन इंडिया इन विच ईयर यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस स्कीम से रिलेटेड रेगुलेट करने के लिए जो लेगिस्लेशन आया वो कौन से ईयर में आया आंसर क्या हो जाएगा मैम आंसर हो जाएगा नाइनटीन में सबसे पहली बार ये वहाँ पर एमरजेंसी या कहीं ये नीड फील होती है कि इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक लेगिस्लेशन आना चाहिए 1912 में इंश्योरेंस insurance... एक्ट आया इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आया 1912 में नेक्स्ट है आपका जर्नल इंश्योरेंस वॉज नेशनलाइज इन विच इर्नल इंश्योरेंस जो है ये कौन से ईयर में नेशनलाइज हुआ आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा मैम इन द ईयर 1973 तो 1973 में जीआईसी आई नेशनलाइज हो जाता है जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेकिन अगर आपसे पूछूं कि जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट कब आया था मैम नाइनटीन में आया था लेकिन आपसे पूछ रहा है जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में हुआ 1973 में

में था लेकिन 2001 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया हैदराबाद तेलंगाना में तो आंसर क्या हो जाएगा मैम? पर कह रहा है कि what does AIC stands related to insurance? Insurance में का का अंदर a का मतलब क्या है दिस इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सरकारी कंपनी है, न्यू डेली के अंदर इसके ये कब आई थी दो हजार दो में आई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और के अंडर ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करती है रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है 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 इसकी वो भी है। इसका पूरा नाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट कह रहा है इन विच ईयर जी की सब्सिडीज जो हैं ये इंडिपेंडेंट कंपनीज़ बना दी गई थी और सेम टाइम पर आपका जी जो है वो नेशनल री बनाया गया था नाउ दिस इज योर होमवर्क अब ये क्या है आपका होमवर्क है जिसका आपको आंसर किस में सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को सबमिट करना है टॉप टेन स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर मैं लीडर बोर्ड पर दिखाऊंगी कल की क्लास में लेकिन उसके लिए कम से कम 20 से 30 बच्चों का मुझे होमवर्क चाहिए और ये मैं क्लास में करा चुकी इसलिए तुमको पता होना चाहिए क्लास के पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें शीतल शर्मा ज़ीरो वन ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको क्लास का पी जो है वो मिल जाएगा फिलहाल के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एवरी जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस क्लास का पी जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर एंड आज लास्ट डेट है ऑफर्स का न्यू ईयर डील्स के ऑफर्स ऑफर्स का तो शीतल कोड यूज करना टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन बन टेक केयर एंड विश द वेरी बेस्ट